हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी प्यारे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फिलोकिनो के ऊपर, जो 145 नंबर पर रैंक कर रहा है 0.40 के बाद 3898 की प्राइस के साथ हमें देखने को मिल रहा है। बीटीसी के हिसाब से ये 1% बढ़ चुका है, इथर के हिसाब से ये 0.5% बढ़ चुका है। तो वहीं पर अगर आप देख लें फिलोकी के हालात, तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिलोकी 24 घंटे में 5.1% बढ़ा है, 7 दिनों में ये 2.2% डाउन जा चुका है, लेकिन 14 दिनों में ये 23% भी बढ़ चुका था। तो ये कुछ फिलोकी की करंट कंडीशन है। तो इससे पहले कि मैं फिलोकी की तरफ मूव करूं, फिलोकी की प्राइस प्रेडिक्शन में आपके साथ अपकमिंग ईयर्स की शेयर करूं, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट आर यू डूइंग नाउ, भाई क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, साथ में बेल के आइकन को दबाएं, ताकि बिटगर्ड हो या फ्लोकिन हो या क्रिप्टो के रिलेटेड कोई भी क्वाइन हो, उनके रिलेटेड कोई भी अपडेट निकल के आए, कोई भी न्यूज़ निकल के आए, कोई भी कंटेंट निकल के आए, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उन सारी चीज़ों को मिस ना कर सके। सो यहाँ पे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ, अपने फ्लोकी की तरफ। दोस्तों यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, जो आज 72 स्कोर के साथ ग्रीड में देखने को मिल रहा है, जो कल 65 स्कोर के साथ ग्रिड में देखने को मिला था, लास्ट वीक भी हमें 72 स्कोर के साथ ग्रिड में देखने को मिला था, लेकिन लास्ट मंथ की बात की जाए तो भाई हमें 69 स्कोर के साथ भी एक ग्रीड कंडीशन में हमें देखने को मिला था। तो वहीं पे अगर बिटकॉइन बायचान की कंडीशन देखी जाए तो भाई ये 3.9% बढ़ चुका है, अभी भी $42,758 पे चल रहा है। इथेरियम की बात करें $2,274 पे चल रहा है, 251 में हमें PNB देखने को मिला है। तो इस तरह ओवरऑल जो मार्केट है वो हमें देखने को मिल रही है। तो भाई मार्केट के साथ यहाँ पे फ्लोकी के ट्विटर के हैंडल पे चलेंगे, देखेंगे भाई फ्लोकी दुनिया में क्या चल रहा है। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई OKX के साथ एंड ऑफ ईयर इनका हमें एक स्पेस देखने को मिलेगा, जो 18 तारीख को हमें देखने को मिलेगा, तो ये 8 AM PST को आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो भाई यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज, क्रिप्टो कम्युनिटीज होंगी, जिसमें हमें फ्लोकी है, चिल्स है, पाइथ नेटवर्क है, अराइवर्ड है, तो उसके साथ हमें क्रिप्टो लिया, जेम्स पार्कर और क्रिप्टो डीजे भी हमें देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी सारे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हमें देखने को मिलेंगे, जो फ्लोकी को लेके, दूसरे कॉइन्स को लेके, क्रिप्टो को लेके चर्चा करेंगे। तो अगर आप भी सुनना चाहते तो आप इसका स्पेस मिस मत कीजिएगा। तो वहीं पे मैंने देखा है भाई फ्लोकी भाई आपको एक और ऑफर दे रहा है, जिसमें आपको क्या करना पड़ता है कि भाई अगर आप किसी बंदे को या किसी प्रोजेक्ट को जानते हैं, उनको कहते हैं कि भाई फ्लोकी फाई का लॉकर यूज़ करें, तो उसकी जो ट्रांजेक्शन फी होती है तो उसका भाई 25% आपको हर ट्रांजेक्शन में आपको मिलेगा। तो भाई अगर आप भी विन करना चाहते हैं तो आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि भाई एक बड़े यूट्यूबर ने, जिसकी तकरीबन 1,71,000 जो फॉलोअर्स वगैरह, तो उन्होंने टोकनीफाई की जो हांगकांग की और फ्लोकी की जो हांगकांग का जो बिलबोर्ड्स वाला कैंपेन देखने को मिला है, तो उसने भी अपने जो यूट्यूब चैनल पर ये सारी चीज़ें डिस्कस की है। वैसे भी हमने देखा कि भाई फ्लोकी अब हांगकांग के शेयर में भी आ चुका है। तो दोस्तों और कोई तो मेजर अपडेट मुझे फिलहाल यूजर्स के रिलेटेड नहीं देखने को मिल रही। तो यहाँ पे अगर हम देखें फ्लोकी की प्राइस प्रेडिक्शन को लेके, तो भाई यहाँ पे टेक रिपोर्ट की तरफ से एक प्राइस प्रेडिक्शन शेयर की गई है फ्लोकी को लेकर, जिनका कहना है 2030 तक ये जा सकता है पोटेंशियली हाई 0.0058 तक जो है प्राइस इसकी फ्लोकी की जा सकती है। एक्सपेक्टेड 2025 में ये 0.015 तक जा सकता है, 24 में 0.0030 के बाद 19 तक जा सकता है, और 23 में ये 0.40 के बाद 6479 तक इसकी जो प्राइस है वो एक्सपेक्ट की जा रही है कि भाई फ्लोकी की प्राइस जा सकती है। और लो की बात करें तो भाई ये 40 के बाद 15 तक जा सकती है 2023 में, 24 की बात करें तो 30 के बाद 12 तक जा सकती है, 25 की बात करें तो 0.30 के बाद 989 तक जा सकती है, और एज लो 2030 में जो इसकी प्राइस है वो 0.004 तक जा सकती है। तो ये कुछ एक्सपेक्टेशन की गई है कुछ एक्सपर्ट्स की मदद से, लेकिन ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आपको हमेशा अपनी रिसर्च करके अपनी, क्योंकि पता नहीं चलता, क्रिप्टो एक ऐसी वॉलेटाइल मार्केट है भाई, पता ही नहीं चलता कि कब कोई क्वाइन पंप ले जाए, कब कोई डंप चला जाए। तो फिर भी आपको अपनी रिसर्च करके फिर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो दोस्तों मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको अपना ख्याल रखना है, अपने दोस्तों का ख्याल रखना है। प्लीज़, थैंक यू।